हमीरपुर ब्लॉक के 22 सितंबर को शासन स्कूल में HGTU के चुनाव प्रस्तावित है, जिसमें हाकम चंद राणा ने अपनी दावेदारी पेश की है। हमीरपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान हाकम सिंह ने कहा कि HGTU के सभी अध्यापकों को पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। साथ ही सीनियोरिटी को देने के साथ साथ अनुबंध पीरियड के 2 साल करने का प्रयास किया जाएगा। हमीरपुर ब्लॉक के 22 सितंबर को शासन स्कूल में HGTU के चुनाव प्रस्तावित हैं, जिसमें हाकम चंद राणा ने अपनी दावेदारी पेश की है। हमीरपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान हाकम चंद ने कहा कि HGTU के सभी अध्यापकों को पुरानी पेंशन बहाल करवाने की हर संभव प्रयास वे करेंगे, साथ ही सीनियोरिटी को देने के साथ साथ अनुबंध पीरियड को 2 साल करने का प्रयास भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्कूलों में तैनात कंप्यूटर टीचरों के लिए पॉलिसी बनाए जाने के साथ साथ उन्हें नियमित करने की मांग भी वे रखेंगे। प्रधान पद के दावेदार हाकम चंद राणा ने कहा कि चुने जाने के बाद अध्यापकों की समस्याओं को दूर करने के साथ विभिन्न मांगों को पूरा करने के लिए सरकार के समक्ष रखा जाएगा। उन्होंने चुनावों से पूर्व अध्यापकों से आग्रह किया कि अध्यापकों की समस्याओं को दूर करने के लिए उन्हें अपना बहुमूल्य मत दें। मैं हमीरपुर ब्लॉक से जो 22 सितंबर 2019 को गवर्नमेंट हाई स्कूल शासन में HGTU के चुनाव होने जा रहे हैं, उसके लिए मैं हमीरपुर ब्लॉक से प्रत्याशी हूं। मैं इस चुनाव को अध्यापक साथियों से जुड़े हुए कुछ मुद्दों के ऊपर इस चुनाव में आया हूं, और मैं चाहता हूं कि सभी अध्यापक शिक्षक साथी भाई बहन मुझे यहां आकर के आशीर्वाद दें। और मेरे निम्नलिखित मुद्दे ये हैं। सबसे पहले कि OPS ओल्ड पेंशन स्कीम, जो कि आज की हर एक डिपार्टमेंट की जरूरत है, और इस OPS की बहाली के लिए मैं हिमाचल सरकार के समक्ष HGTU के माध्यम से जोर शोर से इसको लागू करवाने का प्रयत्न करूंगा। नंबर 2, हमारी बड़े समय से डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जो टीचर्स कॉन्ट्रैक्ट से रेगुलर हुए हैं उसे डेट ऑफ ज्वाइनिंग से सीनियरिटी देने का जो मुद्दा है, उसके ऊपर हम सरकार से बार बार ज्ञापनों के माध्यम से सरकार से हम बार बार गुजारिश कर रहे हैं कि हमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग से सीनियरिटी दें, और जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो घटा करके 2 वर्ष किया जाए। मैं इसको भी HGTU के माध्यम से सरकार के समक्ष रखूंगा। नंबर 3, कुछ हमारे अध्यापक साथी जिन्हें आउटसोर्स कर्मचारी कहते हैं, वो 14-15 साल से सेवाएं दे रहे हैं, उनमें खासतौर पर हमारे स्कूलों में कंप्यूटर टीचर हैं, तो उनके लिए भी सरकार कोई पॉलिसी बनाए और उनको नियमित किया जाए। साइंस टीचर हूँ, और सरकार हमें 150 रुपया प्रैक्टिकल अलाउंस दे रही है, तो मैं सरकार के समक्ष इसको 150 से 1000 रुपये करने के लिए सरकार के समक्ष जो है इस आवाज़ को जोर से उठाऊंगा। साथ में हमारे लेक्चरर साथी जो साइंस के हैं, PCM या बायो के, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायो के हैं, उनको भी 1000 रुपये साइंस अलाउंस दिया जाए। इस मुद्दे को भी मैं HGTU के माध्यम से सरकार के समक्ष रखूंगा। और 4, 9, 14 का बेनिफिट सरकार जो है पूरी तरह से लागू करें, और मैं चाहूंगा कि आप सभी अध्यापक साथी मेरे भाई बहन, सबसे मेरा अनुरोध है कि 22 सितंबर को रविवार के दिन गवर्नमेंट हाई स्कूल शासन में आकर के मुझे वोट देकर विजयी बनाएं। आपको बता दें कि 22 सितंबर को शासन स्कूल में HGTU के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके लिए लॉबिंग शुरू हो चुकी है और हर कोई अपने अपने तरीके से अध्यापकों को रुझाने का प्रयास कर रहा है। कार्यक्रम में वक्त तो चला, छोटे से ब्रेक का ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।